दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद कैफ। इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं बिजनेस करने के लिए। सही बोला ना? जी जी बिल्कुल सर। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। मैं बात आपसे पहले बोलना चाहूँगा रुककर, मैं अपनी पूरी इंस्टा फैमिली की तरफ से और अपने चाहने वाले की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ आए और हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आपने समय निकाला। तो कैफ भाई, पहला सवाल आपसे ऐसे ही करूँगा, कहाँ आपने सोचा, किस क्या मतलब वो कौन सा टाइम था जब आपने सोचा कि इंस्टाग्राम पर रील जो लोग बना रहे हैं ऐसा मुझे भी बनाना चाहिए और ये कंटेंट जैसे लोगों को मोटिवेट करना कि बिजनेस करना चाहिए, अच्छी अच्छी कारें दिखाना, ये कहाँ से मन में आया? मन में तो बस ऐसा ही था अपना, जब छोटे से थे तो हम भी देखते थे लोग बड़ी बड़ी कारों में घूमते थे, बड़े बड़े सपने थे लोगों के। हमारे दिल में देखो हर किसी बंदे की ख्वाहिश होती है दिल में कि जो छोटा होता है किसी लेवल पे कि मैं बड़ा बनूँ आगे आने वाले टाइम में। बस हम भी वो इंस्पिरेशन भी हमारे अंदर भी कि कुछ करना है अपनी लाइफ में, उसी के चलते हमने एक मेहनत शुरू करी और दिल में हमारे हमेशा एक ख्याल रहता था बिलाल भाई कि कुछ करना है ज़िंदगी में, किसी की मदद करनी है या कुछ अपनी ज़िंदगी में इतना कामयाब होना है कि लोग कहें कि हाँ ये लड़का कुछ है अपनी कौम के लिए या अपने देश के लिए, कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। यही बस दिल में एक चाहत थी, इसी से हमने शुरुआत की और अल्लाह इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कितनी कामयाब मिल रही है और आगे भी ऊपर वाले की दुआ है इंशाल्लाह मिलती रहेगी। यंग लोग आपसे बहुत मोटिवेटेड होते हैं, आपके 1.5 लाख+ में फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ भी ज़्यादातर जो मैं मानता हूँ अगर मैं सही हूँ तो 90%+ यंग लोग आपको फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही। उनके लिए क्या मैसेज है? क्या यही मैसेज क्या है कि अपनी मेहनत कीजिए, लगन से लगे रहिए, जिस भी काम को करें लगन से करें, ये ना सोचें कि दो आदमी मुझे बुरा कह रहे हैं तो उसको बुरा कहने से मेरा काम जो है मैं उस चीज़ पर रुक जाऊँ मैं, बल्कि उससे डबल मेहनत करें। अगर आपको दो लोग कुछ टोक रहे हैं तो चार गुना मेहनत करें, तब भी आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। मुझे भी बहुत लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हो, टिकटॉकर हो, वो बनाने, ये तो चीज़ सब अलग है। जब आदमी कामयाब हो जाता है तो वही लोग आप फिर आपके पास भी आते हैं, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान ना दें, अपना जो करना है अपनी लाइफ में करें, कुछ भी करें लेकिन अच्छा काम करें, यानी कि कुछ ये उल्टी सी चीज़ें बनाएं, ये सही से लोग आपको 30 सेकंड या 1 मिनट के रील में देखते हैं, वो आपको उतना नहीं जानते। बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं, मतलब ऐसा कुछ क्यों नहीं करते आप जिससे लोग आपको जाने, क्योंकि जो आपको फॉलो करता है हर जाहिर सी बात है वो आपको जानना भी चाहेगा कि क्या है इस बंदे, लेकिन छोटी वीडियो के माध्यम से वो नहीं जान पाते, तो कुछ ऐसा सोचा है जिससे लोग आपको जाने? इसलिए अब हम अपना एक अपने YouTube चैनल बनाए हैं जिससे हम जो गरीब लोग होते हैं उन तक कुछ उनकी ज़रूरत का सामान मुहैया कराते हैं, कुछ बीमार लोग होते हैं उनका इलाज हो रहा है। अब एक हमारी NGO है, NGO की बनने की तैयारी हो रही है, उसके माध्यम से हम एक हर गांव में एक कैंप लगाएंगे जिससे गरीबों का मुफ्त में इलाज हो सके, उनका फ्री टेस्ट हो सके। एक हमारे जानने वाले हैं भाई, पास में गांव है, उनसे हमारी इसमें बात चलनी है, इंशाल्लाह ऐसे ही कुछ होगा तो इसके ज़रिए हमें हमारी जो शख्सियत वो बाहर आएगी, यही हमारा वो है ना। जो लोग बोलते हैं कि हाँ ये क्या कर रहे हो, कहाँ किस लाइन में आ गए या कैसे क्या ये क्या, मतलब कुछ भी लोग बोल देते हैं तो उसे उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। प्रेशर तो जब लोगों का प्यार होता है तो लोग कितना प्रेशर कर ले, सब प्रेशर वो एक तरफ हो जाता है। लोग इतना प्यार दिखाते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, ये बुरा बुरा जो चाहने वाले हैं ये सब एक देख रहे हैं, इंशाल्लाह हमें फिर मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि ये एक नारा भी है कि बुराई को ख़त्म मोहब्बत से किया जा सकता है, नफरत को ख़त्म मोहब्बत से किया जा सकता है। उसी गांधी की भी बस ये नेता है तो पॉलिटिशियन अलग मसला है, तो लेकिन ये तो फैक्ट बात है, बस उसी पर हम अपना चल रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा, अल्लाह तबारक तआला से बहुत उम्मीद है। पहली रील आपकी कब वायरल हुई? मेरी पहली जो रील थी वो तकरीबन 4 महीने पहले वायरल हुई थी। अच्छा। हाँ, एक कार वाली रील थी, उस पर 33 मिलियन व्यूज़ गए थे। अच्छा। बस उसी से ही अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया, मोटिवेशन लोगों ने प्यार दिखाया, मोटिवेट हुआ और बस चल दिया। हाईएस्ट व्यू जो आपकी रील है या आपकी वीडियो है वो कौन सी है? वही है, वो जो मेरी फर्स्ट वीडियो है वही है, 33 मिलियन वही सबसे हाई। मैंने भी आपकी वीडियो देखी थी, आपके जो लोग हैं आपके छोटे छोटे क्लिप चुरा के अपनी रीलों में इस्तेमाल करते हैं, उन पे भी मिलियंस में व्यूज जाते हैं, मिलियंस में लाइक जाते हैं, मैंने खुद देखा है। तो ऐसे लोगों को कुछ मतलब आपके पास परमिशन के लिए मैसेज आता है कि भाई आपकी वीडियो यूज कर रहे हैं या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई इससे एतराज भी नहीं है। अच्छा। जो जैसा कर रहे हैं करते रहे, लोग तो हमें जानते हैं, वही चीज़ है। देखो कॉपी, उसमें ब्रांड का एक होता है अपना, एक वैल्यू होती है, जो ब्रांड होती है वो कॉपी तो होती है उस चीज़ की, और ब्रांड में जो लोग होते हैं वो क्वांटिटी में होते हैं, समझ रहे हो ना, जो कॉपी लोग होते हैं वो सिर्फ क्वांटिटी में होते हैं, जो ब्रांडेड लोग होते हैं क्वालिटी में होते हैं। सही बात, वही चीज़ का फ़र्क है।
और अब कुछ आगे क्या सोचा, मतलब बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वीडियोस बना रहे हो, आगे आगे अगर आपको लोग जानना चाहें आगे क्या बस करना इसमें तो हमारा तो एक मेन जो मोटिव है, एक तो मोहब्बत पैदा है। करना लोगों के अंदर, जो हाँ नफ़रत फैली आज के दौर में सही उसे बात ख़त्म करना है। जी। और जो मुसलमान भाई हैं ये अपना थोड़ा आपस में जुड़े, प्यार मोहब्बत बने, और बिरादरियां हैं सब आपस में सपोर्ट करते हैं लोगों को, बस उस चीज़ को हमें सपोर्ट करना है। और आपस में हमने एक अपना संगठन भी बनाया है कि गरीब लोगों को जाके मदद करने का, इस पे हम आगे काम करेंगे इंशाल्लाह अगर हमें लोग सपोर्ट करते हैं। अगर ना भी करेंगे तो फिर भी हम इंशाल्लाह अपनी कौम के लिए काम करते रहेंगे। अगर गोल की बात करूं आपका, मतलब सोशल मीडिया से क्या आप चाहते हैं और क्या आपका गोल है सोशल मीडिया पर? गोल तो बस लोगों तक हमारा जो प्यार का पैगाम पहुंच जाए, नहीं वो तो पहुंच रहा है, वो तो माशाल्लाह खूब पहुंच रहा है। और बस आगे आगे क्या सोच, मतलब क्या गोल है कि भाई यहाँ तक पहुंचना है? कुछ होता है ना, हर किसी के मन में होता है कि यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक नहीं, पहुंचना है। गोल तो बस ऊपर वाला जहाँ तक पहुँचा दे वही हमारा गोल हाँ है बस। मतलब कुछ ऐसा नंबर, कुछ इस टाइप का कुछ सोचा है? ऐसा तो कुछ अभी नहीं है, जैसे जैसे लोग अपने प्यार दिखाते रहेंगे। बस मेरा तो मकसद यही है कि अपनी एक पहचान हो, कि लोग जाने बस कि अच्छे काम के लिए जाने लोग, कि हाँ ये लड़का है, बस यही चीज़ है हमारी। सोशल मीडिया के इस्तेमाल की अगर आपसे बात करें तो लोग गलत इस्तेमाल भी, सही इस्तेमाल भी, आप क्या सोचते हैं सोशल मीडिया के बारे में, आपकी थिंकिंग क्या है? सोशल मीडिया के बारे में बहुत अच्छी चीज़ है, अगर लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, पढ़ाई के बेस में या कुछ कुछ क्रिएटिविटी के तौर पे, तो बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों की हेल्प करने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छी अच्छी खबरें या कुछ ऐसी चीज़ हमें नॉलेज नॉलेज के बेस में बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे हिसाब से तो अच्छी चीज़ है। बाकी लोगों का अपनी अपनी थिंकिंग है कि वो किस वे में इसका इस्तेमाल करें। मोबाइल आज के दौर में, मतलब जो बड़े लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो बहुत मोबाइल को बहुत बुरा मानते हैं, कहते हैं कि मोबाइल लोगों को अपने परिवार से दूर कर देता है, मोबाइल ये मोबाइल वो। आप क्या सोचते हैं मोबाइल को लेकर? बिल्कुल सही बात है ये चीज़, ये मोबाइल जो है आपस का प्यार मोहब्बत ख़त्म भी कर रहा है। जी जो लोग चार, अगर लोग आपस में बैठे हो चारों, तो आपको मोबाइल चलाते हुए मिलेंगे। सॉल्यूशन क्या मानिए इसका? सॉल्यूशन तो इसका यही है, बस ख़त्म किया जाए इस मोबाइल को, आपस में प्यार मोहब्बत बनाए, आपस में भाईचारा बनाए। मतलब मोबाइल को ख़त्म क्या, मतलब किस वे में बता रहे हैं आप? मैं मतलब एक आप मतलब अपनी बात को खुलकर बताइए कि कैसे मोबाइल का यूज़ कम हो, ख़त्म, मतलब कैसे? यूज़ तो ख़त्म, अब तो मुश्किल है होना हाँ क्योंकि आप जो आदमी यही तो को मैं इसी बात को तो आदमी को खाने को ना मिले तो एक बार को आदमी रह सकता है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क या नेट ना हो, मोबाइल ना हो तो नहीं रह सकता। इंटरनेट से आपकी क्या उम्मीद है या क्या आप इंटरनेट के बारे में सोचते हैं? इंटरनेट आने वाले समय में बहुत मददगार साबित होने वाला है हाँ और लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है इससे। आप देख रहे हो यूट्यूब के ज़रिए ये सब इंटरनेट से चल रहे हैं, इनसे इंशाल्लाह ये बहुत आगे आने वाले टाइम में बहुत लोग तरक्की करेंगे, और हमारी दुआ है इंशाल्लाह बढ़िया हो आगे। YouTube जो प्लेटफॉर्म है, इस पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, लोगों के सपने पूरे किए हैं। आप क्या सोचते हैं YouTube के बारे में, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ? बढ़िया है YouTube, ये आप तो देख ही रहे हैं YouTube पे लोग कहाँ से कहाँ जाके बन पड़े। वही चीज़, अगर लोग अच्छा कंटेंट, अच्छा मोड़, अच्छा अपना वीडियो में रेस्पॉन्स, अच्छी चीज़ दिखाएंगे तो वो कामयाब होंगे तो ये सवाल आपके जो चाहने वाले उनकी तरफ से करूँगा, आप कब YouTube पर रेगुलर हो रहे हैं? इंशाल्लाह। मैं अभी तो कुछ दिन के लिए, मैं मेरे अभी थोड़े प्रोग्राम हैं इस महीने, ज़्यादा प्रोग्राम लगे हुए हैं इंशाल्लाह। अगले महीने से अपनी एक टीम बना रहे हैं हम, उसके साथ साथ हम अपने जो यूट्यूब का वीडियो हर हर हफ्ते में दो वीडियो शूट किया करेंगे इंशाल्लाह। तो किस बेसिस पे होगी जो आप कर रहे वही हैं, वही लोगों की हाँ मदद हाँ या हाँ उसमें कुछ और ऐड भी होगा? उसमें कुछ हम स्पोर्ट्स का भी रखेंगे, बच्चों के खेलने के लिए जी कुछ खेल कूद, बच्चे जीतेंगे उन्हें इनाम से नवाजा जाएगा, और कुछ गरीबों की मदद की जाएगी। और जैसे कुछ कुछ गाँव में घर नहीं होते, टूटे घर होते हैं, फूटे जी घर होते हैं, बरसात का मौसम है तो उनके घरों की थोड़ी मजबूताई को मुहैया कराएंगे इंशाल्लाह। तो शॉर्ट्स में तो आप एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को पूरी तरह से, लॉन्ग वीडियो के जरिए कब एंटरटेन करेंगे? लॉन्ग का तो हमारा भी कोई ऐसा नहीं है, शॉर्ट्स में अल्लाह ऊपर वाला इतने वो दे रहा है कि लॉन्ग में क्या आदमी बोर हो जाता है, 15 सेकंड बहुत है बस। लोग कहते हैं कि 15 सेकंड का कंटेंट क्रिंज होता है, आप बोल रहे हो कि 15 सेकंड बहुत है, फिर वो एक आप जो अपना वॉइस में होता है ना, मतलब आदमी लिपसिंग वाला होता है वो बढ़िया रहता है, आदमी उसमें कंटेंट हो, कुछ आदमी की सीख हो कुछ उस वीडियो में। टिकटॉक भी बैन हुआ था, तो आपने टिक मैंने मतलब आप टिकटॉक पे भी थे? कितने हाँ मैं टिकटॉक पे था, फॉलोअर थे? मेरे समथिंग 85K थे फॉलोअर्स। बैन हुआ, दुख हुआ? दुख क्या, वो तो सबको दुख हुआ, मुझे क्या अकेले को हुआ, सबसे सबका हुआ बहन, मेरा क्या अकेले का थोड़ी हुआ। नहीं वो तो बात है, लेकिन अब हाँ किसी दुख तो बंदे होता को है, बंदा मेहनत एट्टी करता फाइव है। मिलियन फॉलोअर्स हों, क्यों 85 मिलियन फॉलोअर ऐसे तो मिल ही नहीं जाएंगे नहीं कहीं? 80K, 85K। 85K, हाँ वो सॉरी मिलियन बोल रहा हूँ, 85K फॉलोअर भी ऐसे ही नहीं मिलते।
बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे वीडियो बनानी पड़ते हैं, टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो एकदम से एक रात में चले जाते हैं, बस जज्बात बदल गए, दुनिया इधर से उधर खत्म, दो चार दिन तो होता ही अपना जैसा भी है। तो अभी इंस्टाग्राम अच्छा चल रहा है, हमारा अल्लाह का शुक्र है, लोग प्यार दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह इसी पे मेहनत करनी है। इंस्टाग्राम को लेकर कुछ सोचा आगे कंटेंट बदलने की या जो कर रहे हो इसमें इम्प्रोवाइज? इसी में कुछ अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे इसी में और लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाएंगे मोहब्बत का इंशाल्लाह। तो कौन कोई ऐसा मैसेज आया जिससे बड़ी खुशी हुई इंस्टाग्राम पर, या कोई फैन मोमेंट ऐसा हुआ, कोई मिला हो बिल्कुल, जिससे बिल्कुल, मिलकर ऐसा लगा कि हाँ भी बहुत कुछ पा लिया? बिल्कुल 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 बिल्कुल। कहीं रास्ते में निकलते हैं तो बस लोग कहते हैं आप कैब भाई हो, बस यही यही हमारे लिए मोटिवेशन है, साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, कहीं मिल जाए, कहीं भी चला निकल जाते हैं अगर रास्ते में, बस लोगों का प्यार ही ऐसा है, यही हमारे लिए रोज़ मोटिवेट करता है हमें। वो तो ठीक है, कोई सेलिब्रिटी हो किसी, क्योंकि लोग क्या करते हैं जब स्टार्टिंग में आपके वीडियोज़ वायरल होने शुरू होते हैं तो आपके पास कई ऐसे लोगों का मैसेज या कॉल आ जाती है जिसे सुनकर या देखकर आप बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ जी इस बंदे ने मुझे मैसेज किया, मैंने पहले इसका कंटेंट देखा था और आज ये मुझे मैसेज कर रहा है, उससे कितना वो एक वो है ना मेरी जान करके एक वो है मुंबई के 3.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके, जी जी जी, उनका मैसेज आया था मुझे काफ़ी दिन पहले, तो मुझे बहुत खुशी हुई उससे जी। उन्होंने भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस लोग मोटिवेट करते हैं, मैं कहाँ रहूँ कहाँ, इतने बड़े फॉलोअर्स वाले बंदे, उनका खुद मेरे पे मैसेज आया था, माशाल्लाह ये चीज़ खुशी मिलती है, लोग इनसे मोटिवेट होता है। कुछ होता है कि मैं अगर जानना चाहूँ कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे मोस्ट फॉलोड कहें या कहें सबसे पॉपुलर बंदा कौन है मेरी उसमें क्या कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपकी फ़ोन की? हाँ फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो हमारे फादर ही है बस, क्या है हमारे लिए सबसे फॉलोड सबसे ज़्यादा कौन सा अलग कौन है हमारे लिए? सही बात है, होता है बस। और सोशल मीडिया पर किसका कंटेंट आपको पसंद है? सोशल मीडिया पर हमें सभी बड़े प्लेटफॉर्म भी बता सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर अलग होता है, यूट्यूब पर अलग होता है, इंस्टाग्राम पर किसे आप ज़्यादा फॉलो करते हैं, किसका कंटेंट आप ज़्यादा देखना पसंद करते हैं? कंटेंट तो बस वैसे तो मेरा जो सेलिब्रिटी लोग मेरे ज़्यादा फेवरेट है, मैं ऐसे कंटेंट वगैरह नहीं देखता किसी के इतने, जैसे वो हैं अपने क्या बोलते हैं खबीब नंबर को, मैं वो मेरे फेवरेट हैं, ऑल टाइम फेवरेट हैं वो मेरे, हाँ बस। और यूट्यूब पर? यूट्यूब पर तो कोई जिनकी वीडियोस आप देखते हो? अच्छा वीडियोस तो मैं काफ़ी लोगों की देखता हूँ, जैसे कि जिनकी ज़्यादा देखते हो? वैसे यूट्यूब तो मैं कम चलाता हूँ, पहले देखता था वीडियोस जिनकी, अमित बढ़ाना हुए इन सब लोगों की देखता था, अच्छे अच्छे कुछ चैनल जिनका यूट्यूब से रिलेटेड आपके दिमाग में नाम आता है यूट्यूब सुन के, हाँ भी ये चैनल अपने राउंड टू हेल वाले हैं, आमिर टीआरटी हैं और सलमान खान वाइंस हैं और वकील 420 जो हैं, ये इन लोगों को देख के बहुत अपना वो करते हैं। तो ये थे हमारे साथ कैब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। मैं कैमरामैन जैद के साथ बिलाल अख्तर, आगे भी अगर आप ऐसे इंटरव्यू देखते हैं देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर देंगे। धन्यवाद।